पैदल चलने के लिए आप बेकाबू हो जाएंगे यदि आप ये आज का वीडियो देखते हैं। तो आइए, मैं डॉक्टर दीपक केळकर आपका स्वागत करता हूँ। लैंगिक शिथिलता, लैंगिक कमजोरी या शीघ्र पतन के लिए घरेलू उपचार क्या है, इस वीडियो में मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रोज़ फ़ोन कॉल करते हैं, ऑनलाइन कॉल्स, ऑफलाइन लोग आते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई लैंगिक शिथिलता है, कमज़ोरी है, शीघ्र पतन है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इलाज बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि हमको दवाई नहीं होना है, हमको कुदरती इलाज, नेचुरल इलाज बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि हमने दवाई ली हुई है मगर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और उससे हमको दवाई लेनी नहीं है फिर साइड इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि फिर दूसरे दिन बहुत ही सरदर्द करता है, बॉडी एक करता है, थकान जैसी लगती है, कुछ काम नहीं करते, काम के रहते नहीं है दूसरे दिन, तो हमको होना ही नहीं भाई, फ़ायदा होता है मगर होना नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। तो उनके लिए अभी मैं आज बताने वाला हूँ ये नुस्खा। वहाँ यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। आज 10-20% लोग, पुरुष जो है, जो अपना सेक्स जीवन जी रहे हैं, तो उनको एक तो लैंगिक शिथिलता है या शीघ्र पतन हो रहा है और वो उन वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं है। ये वीडियो आप आखिरी तक देखो, मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ कि उसके लिए कितना चलना है, उसके लिए हार्ट रेट कितना होना चाहिए और फायदेमंद होने के लिए एग्जैक्टली पर्टिकुलरली करना क्या है। आखिर तक देखो ताकि आपको पूरा समझ में आएगा और ये लैंगिक शिथिलता का प्रॉब्लम यदि आपको है तो वो निकल जाएगा और नहीं है तो होगा नहीं। आइए फिर से मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, चालू करता हूँ। क्या है कि जब आप चलते हैं, पैदल चलते हैं या और बहुत फास्ट चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, तो उससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब दिल की जो सिस्टम है, CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो बहुत तंदुरुस्त रहती है, बहुत पावरफुल रहती है। एक्सरसाइज से क्या होता है, जब आप चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी अपने बॉडी में अच्छा बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो बढ़ता है अपने बॉडी में एक्सरसाइज से, तो खून की नलियां जो है वो फूल जाती है। अब खून की नलियां जब फूल जाती है, फ्लो भी अच्छा हो रहा है, ऑक्सीजनेशन भी अच्छा हो रहा है, नलियां भी फूली हुई है, डेफिनेटली लैंगिक शिथिलता दूर हो जाएगी, लिंग में कठोरता आएगी। तो आपका यदि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब दिल की जो ये जो संस्था है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यदि पक्की है, पावरफुल है, तो आपको लैंगिक शिथिलता का प्रॉब्लम आएगा नहीं। एक्सरसाइज से क्या होता है, दूसरा एक्सरसाइज क्या होता है कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसकी मात्रा कम हो जाती है बॉडी में। अब उसकी मात्रा कम हो गई तो वो पकड़ के रखता है सेक्स हार्मोन को। अब उसने जो पकड़ के रखा है वो छोड़ देगा। अब वो छोड़ देगा तो सेक्स हार्मोन की लेवल बढ़ जाएगी, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है और टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है तो नेचुरली उसका फायदा हमें लैंगिक कठोरता के लिए मिलता है। एक्सरसाइज से फ्री रेडिकल्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसका ही मतलब एक्सरसाइज जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारा है वो कम करती है और उससे भी हमारे शरीर को फायदा होता है, हमारे शरीर के अंदर की सूजन जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आपने चलना है, खेलना है, दौड़ना है, बच्चों के साथ में खेलो, तो उसका बहुत फायदा आपको लैंगिक शिथिलता ठीक करने में, मतलब लैंगिक उत्तेजना आने में, लैंगिक कठोरता आने में हो जाएगा। हार्वर्ड स्टडी के अनुसार यदि आप 30 मिनट तक चलते हैं एक हफ्ते में 4 बार, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात लैंगिक शिथिलता आने के चांसेस आपके 41% कम हो जाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आने के चांसेस कम है। मेयो क्लिनिक के स्टडी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और वो उम्र में ज़्यादा व्यक्ति में जब आता है, तो पहला आप देखो कि आपका हार्ट ठीक है या आपको डायबिटीज हुआ है क्या। मतलब उन्होंने इतना क्लियरली बोला हुआ है कि यदि आपको लैंगिक कठोरता नहीं आती है, पहला काम आपका है कि देखो शुगर है क्या, हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, मतलब इतना उसका कोरिलेशन है।
का मतलब क्या है कि यदि आप हार्ट का पंपिंग अच्छा है, हार्ट की सिस्टम अपनी अच्छी है, आपकी शुगर लेवल कम है, तो आपको नेचुरली बहुत अच्छी लैंगिक कठोरता आएगी, लैंगिक शिथिलता आएंगी नहीं, आई हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। 65 लोगों को स्टडी किया, उनको योगा दिया 12 हफ्ते तक। एक स्टडी में 65 पुरुष लोग, उनको 12 हफ्ते तक योगा दिया, उनकी एवरेज उम्र थी 40 साल की। बाद में उनको एक क्वेश्चनर दिया गया, उन्होंने ये बताया उनकी रिपोर्ट में कि सभी लोगों को इरेक्शन में बहुत सुधार आ गया, लैंगिक कठोरता में बहुत फ़ायदा योगा से उनको हुआ। वैसे ही हार्वर्ड स्टडी एक है जिसमें 40 से 75 साल के 22,086 पुरुषों को लिया गया, 22,086 पुरुष जो थे, 3 घंटे एक सप्ताह में उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोला, और जब 3 घंटे एक सप्ताह में एक्सरसाइज कर रहे, उनको क्वेश्चनर दिया गया, 2006 की स्टडी है, उनको क्वेश्चनर दिया गया, और उसमें से ये मालूम पड़ा कि 20% चांस, मतलब रिस्क, 20% रिस्क जो है वो कम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन आने की, यदि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो, और सिर्फ 3 घंटे एक सप्ताह में, इतना कम है देखो। तो फिर यदि आपको 3 घंटे एक सप्ताह में या 3 दिन एक सप्ताह में चलना है, 1-1 घंटा कितना चलना चाहिए, तो अभी आपका सवाल होगा चलना कितना चाहिए, क्योंकि आप आराम आराम चलेंगे तो नहीं होगा, आपको चलना है आपका हार्ट रेट के मुताबिक, मतलब 220 माइनस आपकी उम्र, वो आंकड़ा जो है उसका 75%। आपकी उम्र समझो 20 साल की है तो 220 माइनस 20 कितना हो गया, 200 का 75%, मतलब 150, तो आपका हार्ट रेट जो है वो 150 होना चाहिए, वो 30 मिनट जब आप चल रहे हैं तो, इतना अच्छा ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए, इतना अच्छा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, तो वो फायदेमंद रहेगा। इन शॉर्ट क्या है कि आपको यदि अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लैंगिक कठोरता अच्छी करनी है तो डेफिनेटली आप चलने की एक्सरसाइज तुरंत आज से ही चालू करो, और चैट बॉक्स में डालो कि कितने लोगों ने आज से ही एक्सरसाइज, ये वीडियो देखते ही आज से ही लोगों ने एक्सरसाइज चालू कर ली, और जिनको कुछ हुआ नहीं है उन्होंने एक्सरसाइज किया तो डेफिनेटली उनको आगे आने वाली समस्या नहीं होंगी। वैसे ही चलने के कितने फ़ायदे हैं उसका भी वीडियो मैंने और दूसरा डाला हुआ है कि चलने के फ़ायदे कितने हैं, उसे नुकसान क्या होते हैं यदि आप नहीं चलते हैं तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते हैं, और जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि भाई एक हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन भी चलते हैं या 3 घंटे चलते हैं तो आपको लैंगिक शिथिलता, शीघ्र पतन, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि प्रॉब्लम हुआ है तो ठीक होगा, नहीं है तो होगा नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, आप अपना खुद का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो, मौल्यवान हो। थैंक यू वेरी मच।